अस्सलाम वालेकुम, डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मैं हूं अफसाली राणा। नाजरीन, शौक का कोई मोल नहीं होता और इस बात को सच कर दिखाया है मियां उमर डौला ने, जिन्होंने अपने घर में एक मिनी जू बना रखा है और इस मिनी जू में उन्होंने शेर, दीगर किस्म के जानवर और हिरन भी पाल रखे हैं। तो चलिए आइए आज मियां उमर से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि मिनी जू उन्होंने क्यों बनाया हुआ है घर को। उमर, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जो शेर आपने रखे हुए हैं और घर को मिनी जू बनाया हुआ है, ये रजिस्टर्ड है? हाँ जी बिल्कुल, ये वाइल्ड लाइफ से मेरा रजिस्टर्ड है और सिटी लाहौर, इस तहसील लाहौर के अंदर मेरे अलावा शायद किसी का भी नहीं जू रजिस्टर्ड। ये बेसिकली फार्म है और मुकम्मल इसको तैयार किया है, रिक्वायरमेंट पूरी की है। अच्छा, मुझे बताएगा कि जो आपका फार्म हाउस है ये कितने एकड़ पर है? ये 74 कनाल पर। आपने शेर पाले हुए हैं, माशाल्लाह चार चार शेर हैं आपके पास, तो इनको शेरों को पालने का शौक कब से हुआ और कब से आपने रखे हुए अपने पास? मुझे तकरीबन 15 से 16 साल हो गए हैं शेरों का शौक पूरा करते हुए। मैं पहला शेर आज से 16 से 17 साल पहले लाया था। इस फार्म हाउस को बेसिकली बनाए हुए 4 से 5 साल हो गए। ये जो भी हमारे पीछे शेर हैं ये कितने साल के हैं? ये 1.5 साल के शेर हैं और जब ये मेरे पास आए थे एक एक मंथ के थे और मेरी एक गोद में फीड किया करते थे। इनको आप खाने के लिए कितने रोज किलो जो है वो गोश्त देते हैं? ये चारों शेरों को तकरीबन डेली का 18 से 20 केजी गोश्त लगता है। अच्छा, मुझे बताएगा कि यहाँ पर जो है शेर आपने पाले हुए हैं तो इनके SOPs क्या हैं? इसकी SOPs यह है, पहले तो गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ से लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके पास मुकम्मल सेफ्टी वाले केजीज होने चाहिए, उसके बाद इनकी जगह रिक्वायरमेंट इनकी कम्प्लीट होनी चाहिए, उसके बाद ये लाइसेंस आपको इश्यू करते हैं। अच्छा, आप इनका बिजनेस भी करते हैं, इनको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं आप? ये फार्म हाउस बेसिकली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया गया, ये सिर्फ अपने शौक के लिए किया गया। हाँ, वैसे ही करते हैं, मेरा एक दूसरा फार्म हाउस भी है बेदिया रोड पे, तो वहाँ पे ब्रीड वगैरह करवाते हैं, वो सेल आउट वगैरह करते हैं, लेकिन इनको नहीं, ये फार्म हाउस बेसिकली अपने शौक के लिए रखा हुआ है। अच्छा, मुझे बताएगा शेरों के अलावा आपने और दीगर कौन कौन से जानवर पाले हुए हैं? इस मेरे पास हिरन है, इसमें ब्लैक बक है, फोक डियर है और ब्लैक फैलो है। ब्लैक फैलो बहुत रेयर है और मैंने कैनेडा से इंपोर्ट किया है। अच्छा, इस जगह का जो है वो आपने कोई पिकनिक स्पॉट बनाने का सोचा कि यहाँ पे आपकी आम लोगों के लिए इसको खोल दें या कोई इस तरह का? नहीं, हम लोगों को मना नहीं करते, पिकनिक स्पॉट तो वैसे ही बनना पड़ा, तो हम कोशिश करते हैं अगर किसी को मना ना करें, लेकिन हम ये रिक्वेस्ट सिर्फ करते हैं हमारे पौधों को नुकसान ना पहुँचाएँ। अब कोई बच्चा, कोई फैमिलीज आ जाती हैं, साथ बच्चे होते हैं, आप खुद बताएं हम बच्चों को कैसे मना कर सकते हैं, यार आप चले जाओ, आप ना देखो। तो फिर हम दो कोशिशें करते हैं, एक तो बच्चों बच्चे हों तो उनको शेरों के पास नहीं जाने देते, अगर जाएँ तो जब तक ट्रेनर साथ ना हो हम आगे नहीं जाने देते। चले, हमें जो अपने फॉर्म की सैर करवाएं, इनके साथ हम फॉर्म की सैर करते हैं, उनके हिरन भी देखते हैं। अच्छा उमर, मैं अभी देख रही थी यहाँ पर जो है वो ऑरेंज भी है, लीमू भी है, और इसके अलावा क्या क्या लगाया हुआ इधर आपने? मैं यहाँ पे लगा हुआ है लीची, लुगाट, आलू बहारा, गन्ना, ग्रेपफ्रूट, माल्टा, जापानी फल, केला, अमरूद, और इसके अलावा अभी एवोकाडो है, इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट है, इसके अलावा भी काफ़ी हैं जो नहीं है, सब्जियों में आ जाएंगे, लहसुन, पुदीना, अदरक, धनिया, और ऐसी साग लगा हुआ है, पालक लगा हुआ है, काफ़ी देसी चीज़ें भी लगाई हैं मुकम्मल एक काश्तकार की। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट तो पाकिस्तान में नहीं होता, तो ये उसका भी बीज मैंने बाहर से मंगवाया और एवोकाडो का भी बाहर से मंगवाया, एवोकाडो भी पाकिस्तान। तो अच्छा, अब मुझे बताएगा कि यहाँ पर जो है वो आपने इतना कुछ लगाया हुआ है, तो आप ये सेल करते हैं? नहीं, इनमें से कोई चीज़ सेल नहीं की जाती, ये मेहमानों वगैरह को दी जाती है या अपने ज़रूरत के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा उमर, मुझे बताएगा कि ये वाला जो हिरन है कौन सी नस्ल का? ये ब्लैक फैलो है, ये पाकिस्तान में बहुत कम है, ये कॉस्टली है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ये मिलता बहुत कम है, ये कैनेडा से इम्पोर्ट किया हुआ। तो इसकी केयर कैसे करते हैं आप? इसके लिए लख एक मुलाजिम रखा है जो सिर्फ हिरनों की देखभाल करता है और इनको चारा उनका डेली मुकम्मल करता है। अच्छा, इधर आपने शेर भी पाले हुए हैं, फार्मिंग आप करते हैं, हिरन भी रखे हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपने टोटल कितने मुलाजिम रखे हुए हैं? मैंने 8 से 10 मुलाजिम रखे हुए हैं जो सिर्फ फार्म की देखभाल करते हैं 2 जानवरों के लिए और 8 सिर्फ इनकी देखभाल काश्तकारी के देखने के लिए। और शेरों की देखभाल करने के लिए, ट्रेन करने के लिए कौन सारा देखता है? उसके लिए एक लड़का रखा हुआ है जिसने सिर्फ शेरों को खाना डाले और उनको ट्रेन कर। अच्छा उमर, हमने हिरन भी देख लिए हैं, शेर भी देख लिए हैं, आपका सारा फॉर्म भी देख लिया है, अब मुझे बताइए आप करना क्या चाहते हैं, क्या प्लान हैं आपके फर्दर? मेरा प्लान सबसे ज़्यादा यही है कि मैं पाकिस्तान को ना एक अच्छा मुल्क साबित कर सकूं, जितने भी किसी का भी मेहमान है पाकिस्तान में आने वाले फॉरनर्स हैं, मैं उनको अच्छा इन्वायरमेंट दे सकूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पूरे फार्म का इन्वायरमेंट दिखा सकूँ। क्योंकि जब कहता हूँ मेरा शौक है ये है कि जो भी फॉरनर पाकिस्तान से वापस जाए, जाके ये अपने खुद मुंह से कहे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट नहीं है, ग्रीन लिस्ट है।
इस वक्त मेरे सामने जो है वो बहुत मज़े की चीज़ आई है। मैं देख रही हूँ कि बच्चे भी जो हैं वो बहुत मज़े से इन शेरों के साथ खेल रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको कैमरा पैन करके दिखा सकें तो वो देखिए जरा कि बच्चे जो हैं वो किस तरह से मज़े से शेर के साथ खेल रहे हैं, बच्चों से आके बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं देख रही थी आप लोग इसके साथ खेल रहे थे, आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नाज़रीन आपने देखा कि बच्चे जो हैं वो किस तरह से मज़े से इनके साथ खेल रहे हैं। शेर जो हैं वो बहुत ही फ्रेंडली हैं और उनको बहुत अच्छा ट्रेन किया गया है।